टीना काकी तुमसे अपनी आखिरी इच्छा पूरी करवा रही थी, पर वहीं वो तुम्हें कब मिली? सपने में। बासा, मुझे पता था आप लोग मेरी बात पर विश्वास करोगे ही नहीं। अच्छा सागर जी, मुझे एक बात बताइए, और दीना काकी और दीनानाथ काका का प्रेम विवाह हुआ था ना? यस, पर वो कब मिले थे, कहां मिले थे, कैसे मिले थे, ये सब मुझसे मत पूछना। क्यों? अरे क्योंकि मुझे पता ही नहीं है भाई। सॉरी सॉरी बेटा, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं काका, ये लीजिए चाय। अरे काका, एक बात पूछूं? पूछो। काका, मुझे ना आपकी और काकी की प्रेम कहानी के बारे में कुछ बताइए ना। मतलब आप दोनों की पहली मुलाकात, पहले आप दोनों कहाँ मिले थे, और आप दोनों में से सबसे पहले प्यार का इजहार किसने किया था, सब कुछ बताइए। नहीं नहीं, ये कैसे बता सकता हूँ। अरे क्या, नहीं नहीं काका, बताइए ना प्लीज, बताइए ना, बताइए ना प्लीज। ठीक है, गुजरात में लड़के और लड़कियों का मिलन नवरात्रि के गरबा ग्राउंड में होता है। नवरात्रि के 9 दिन में प्यार हो जाता है, फिर खूब घूमते हैं और शादी का फैसला कर लेते हैं। बस हमारी प्रेम कहानी भी ऐसी ही है। आप दोनों में से सबसे पहले प्यार का इजहार किसने किया था? अरे भाई, हमारे जमाने में इजहार विजहार होता ही नहीं था, वो तो आंखों से पता चल जाता था कि दोनों को एक दूसरे के लिए लगाव है, प्यार है, फिर बातें करते करते शादी की बात तक पहुंच जाते थे। काकी, इतना तो पता चल गया, आपको याद करते ही काका के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। ऐसे हमारी कहानी कहते वक्त हमेशा तुम्हारे काका के चेहरे पे मुस्कान आ ही जाती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे जाने से वे दुखी हैं। काकी, एक काम कीजिए, आप मुझ में प्रवेश कीजिए और काका को जो जो पसंद है ना वो सब कीजिए। जैसे नम 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 नम, हाँ, काका को आपके हाथों का खाना बहुत पसंद है ना, तो आप उनके लिए खाना बनाइए और फिर देखते हैं कि काका को आपके हाथों का स्वाद अभी भी याद है कि नहीं। ठीक है। मही, अरे देखो तो सही, मैं क्या लाया हूँ, my love। अरे कोई देख लेगा तो? अरे मही, तुम दीना काकी की तरह क्यों बात कर रही हो? ये क्या बोल रहे हो सागर? सागर? सागर जी। मही, अब ये मत कहना कि दीना काकी तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गई हैं। एनीवे, तुम मस्त गर्मा गर्म चाय लेकर फटाफट रूम में आओ, मैं दाल वड़े लेकर आया हूं, आ जाओ। वाह मही बेटा वाह, आज तेरी काकी की याद आ गई। सच? अरे वो भी ऐसी अच्छी पूरनपुली बनाया करती थी। इसका मतलब आपको मेरी, मतलब काकी की बहुत याद आती है। बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू तेरी काकी की तरह बात कर रही है? अरे उसे तो मिले हुए तुझे बहुत साल हो गए। आपको मेरी मतलब काकी की पूरन पूरी दिमाग में चढ़ गई है। अरे मैं मही हूँ, मही। अरे बेटा मही, तेरी काकी के खाने में जो नशा था, अरे लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे, ऐसा बढ़िया खाना बनाती थी। तेरी काकी का गुस्सा तुझे पता है? बात बात पे गुस्सा किया करती थी, लेकिन उसके गुस्से को सिर्फ मैं ही काबू में रख सकता था। और आपकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तेरी काकी की याद आ गई मुझे, जब वो गई तब मैं उसके पास नहीं था, उसे बात भी नहीं कर पाया, और उसे कुछ कहना था ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। मैं बस यही कहना चाहती थी, आप अपना ख्याल रखिएगा, दवाई वक्त पर लीजिएगा, और मुझे कभी मत भूलना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मतलब काकी ऐसा ही कुछ कहना चाहती होंगी आपसे। शायद यही, लेकिन मैं उससे बहुत नाराज हूं।
मुझे छोड़कर चली गई, मुझे बताया भी नहीं। अरे अरे सुनिए अब मेरी बात। काकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, काका के दिल में आपके लिए प्यार फिर से जगाएंगे। मगर कैसे बेटा? वैसे ही काकी जैसे आप दोनों के प्यार की शुरुआत हुई थी। मतलब क्या करने वाली है? आप बस देखती जाइए काकी, अब ये मही क्या करती है।